नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं एक बात कि जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, और सचमुच ये बात हम देखते भी हैं। जो सोचते हैं वही फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जैसे विचार होते हैं वही तो फिर वाणी में और कर्म में परिणत होता है। तो क्यों ना हम सोच कर सोचें, क्योंकि किसी ने कहा है कि आज आप जहां हैं, जो हैं, वो आपकी कल की सोच का परिणाम है। और कल आप जहां होंगे, जैसे होंगे, जिन हालातों में होंगे, वो आपके आज के विचार का, आपकी आज की सोच का परिणाम होगा। तो क्यों ना हम अपनी सोच पर बहुत गहराई से सोचें और इसे श्रेष्ठ बनाएं। और यही कारण है कि हम भी सबरंग में रोज सुबह सुबह आपके लिए सुंदर सुवाक्य लेकर आते हैं, जो हमें प्रेरित करता है अच्छी सोच के लिए। तो आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। यह वाक्य पूर्णतः सत्य है। विचारों की गति अति गुह्य है। व्यक्ति के विचार ही उसके आसपास के वायुमंडल का निर्माण करते हैं। परमात्मा शिव ने भी कहा है, श्रेष्ठ संकल्प से ही श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण होता है। मित्रों, मेरे एक मित्र ने मुझे मैसेज किया कि सर्दी आ गई है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। हंसी में उसने ये बात कही थी। और सचमुच सर्दियों के दिन आ गए हैं और इसमें कफ और कोल्ड होना बहुत ही आम सी बात है। सबके बीच खांसना या सबके बीच नाक पोंछना कितना असहज महसूस कराता है। इसीलिए आपको सहज करने के लिए हम कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं कि कैसे कफ और कोल्ड से आप बच सकते हैं। आइए सुनते हैं, आपकी सेहत आपके हाथ में। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। सर्दियों में सर्दी, खांसी, थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जी जैसी बीमारियां बहुत ही ज़्यादा पाई जाती हैं। तो आज हम कॉमन कोल्ड पे कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अदरक। अदरक का सूप, अदरक का जूस और अदरक की चाय लेने से शरीर में गर्माहट आती है, थ्रोट इन्फेक्शन दूर होते हैं, इम्यूनिटी बढ़ती है। अदरक के रस को तुलसी रस और काली मिर्च के साथ लेने से बुखार जैसी बीमारियां ठीक होती है, शरीर में गर्माहट आती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और विटामिन सी की मात्रा मिलती है। शहद में एंटीमाइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है। शहद थ्रोट कंजेशन को दूर करता है और शरीर में गर्माहट लाता है। शहद को नींबू के रस और दालचीनी के साथ लेने से अपर रेस्पिरेटरी थ्रोट इन्फेक्शन दूर होते हैं और इम्यूनिटी बढ़ती है। विटामिन सी आंवला, मौसम्बी जैसे साइट्रिक फूड्स में पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में सारी बीमारियां दूर होती हैं। एसेंशियल ऑयल्स जैसे कि नीलगिरी ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, सिनेमन ऑयल, जिंजर ऑयल, इसकी स्टीम लेने से शरीर में गर्माहट आती है और इम्यूनिटी बढ़ती है। गर्म पानी में नमक और हल्दी डाल के गरारे करने से गला ठीक होता है, थ्रोट इन्फेक्शन दूर होता है। सर्दियों में नाक कान को गर्म कपड़ों से ढके रहिए, सर्दियों से बचे रहिए। धन्यवाद। आइए मित्रों, अब चलते हैं स्पिरिचुअल इंडिया में एक ऐसे प्रदेश की ओर जो प्रदेश अपनी वीरता के लिए जाना जाता है, जहाँ लंबे रेगिस्तान भी हैं, तो ऐसे सुंदर सुंदर किले हैं जो मन को आकर्षित करते हैं। विश्व भर के पर्यटक जहाँ आकर के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ का इतिहास ही ऐसा सुंदर रहा है। जी हाँ, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे रंग रंगीलो राजस्थान के आज दर्शन करते हैं स्पिरिचुअल इंडिया में। नीला शहर जोधपुर, झील शहर उदयपुर, जैसलमेर का सुनहरा शहर, जयपुर का गुलाबी शहर, तीर्थ स्थलों का राजा पुष्कर, इस्लामी इतिहास और विरासत का स्थान अजमेर, माउंट आबू की आध्यात्मिक सुगंध, हाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान, राजाओं की भूमि।
ऐतिहासिक किले, मंदिर और हवेलियां, वस्त्र, अर्ध कीमती पत्थर और हस्तशिल्प, राजस्थान उतना ही रंगीन और ज्वलंत है जितना एक राज्य हो सकता है। कठपुतली के माध्यम से लोक कथाएं, दिल को छू लेने वाले लोकगीत, प्रसिद्ध घूमर और खलबेलिया नृत्य रूपों, राजस्थान का सांस्कृतिक ताना बाना दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर ब्रह्मा को समर्पित दुनिया के बहुत कम मंदिरों में से एक है। यह 2000 साल पुराना बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर आकर उसी स्थान पर यज्ञ किया था जहां अब यह मंदिर बना है। करणी माता मंदिर, एकलिंगजी मंदिर और बिल्ला मंदिर भी भक्तों की धार्मिक प्यास बुझाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर एक ऐसे मंदिर का ज्वलंत उदाहरण है जहां आध्यात्मिक रहस्य दफन है, जो एक बार खोले जाने पर आध्यात्मिक साधक को प्रबुद्ध कर सकते हैं। राजस्थान में ईश्वरीय सेवा का बीज बोने वाले प्रमुख व्यक्तित्व हैं दादी रुक्मणी जी, बीके मोहिनी दीदी और बीके सुदेश दीदी। बाद में जयपुर में सेवाएं बीके सुषमा दीदी को सौंप दी गई। 1988 से लेकर आज तक राजस्थान ईश्वरीय ज्ञान के प्रसार के लिए बहुत सारे आयोजनों का स्थल बन गया है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है 1988 में विश्व सहयोग आध्यात्मिक बैंक मेला, 1995 में मेगा स्वास्थ्य किराया, 1999 में योगा कौन उत्सव, 2004 में ईश्वरीय वरदान आपके नाम और 2010 में प्रभु आंचल का उद्घाटन। लोगों के बीच ईश्वरीय ज्ञान का प्रसार करने के लिए राजस्थान ने अहम भूमिका निभाई है। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब जब संसार में अनीति, अत्याचार, पापाचार बढ़ता है, इंसान और इंसानियत दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। नैतिकता का ह्रास होने लगता है, सभी तरफ त्राही त्राही मच जाती है। तब तब कोई मसीहा ज़रूर इस धरा पर आता है, जो सबके दुख दर्द के आंसू पोंछता है, उनके अज्ञान को दूर कर उन्हें ज्ञान का प्रकाश देता है, उन्हें सहारा देता है, उनके निराश हृदय में आशा के दीप जलाता है। ऐसे ही एक महामानव थे निराकार परमात्मा के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। आज 18 जनवरी उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन से सुंदर प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को भी सुवासित करते हैं। किसी भी धर्म के शास्त्रों में उस व्यक्ति के बारे में उल्लेख है जिसे मानवता का पिता माना जाता है। ब्रह्मा से हमेशा एक रहस्य जुड़ा रहता है। आइए ब्रह्मा और आदम के बीच संबंध को समझने की कोशिश करें और उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लें जो प्रभु के सबसे प्रिय है। You will find that all people of all religions unanimously believe in two entities. One is God. All of them believe in God, the incorporeal, by various names. And secondly, all of them believe in Brahma also, by various names. Brahma is called Brahma in Bharat, Brahma by the Hindus, Brahma is called Adam by the Christians, the first man. Muslims also call him as Baba Adam. They believe that the world started, the humanity started from Brahma, and they call Adam and Eve, Adam and Hawa, and so on. बहुत सारे भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति को देखा और उनके साथ रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मा बाबा के जीवन में उन्होंने जो भी गुण देखे थे वे सभी धर्मों के शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। आइए नज़र डालते हैं ब्रह्मा आदम की कुछ ऐसी ही खासियतों पर। आदम का शरीर प्रकाश का था जो ईश्वर के प्रकाश के समान था। यहूदी साहित्य।
आदम ईश्वर द्वारा दिया गया नाम है। आदमे सफ़ी जिसका अर्थ है चुना हुआ। पवित्र कुरान। आदम ईश्वर के प्रकटीकरण का पहला उद्घोषक था। नासिर खुसरो। आदम भारत में एक पहाड़ पर गिरा जो दुनिया में सबसे ऊंचा था और स्वर्ग के सबसे करीब था। पवित्र कुरान। आदम के बारे में नकारात्मक बात मत करो, उसके लिए सकारात्मक बातें करने वालों की उम्र लंबी होती है। कवहा यशर। जब मैं आदम को बनाऊंगा और उसकी आत्मा में सांस भरूंगा तो पूरी मानव जाति को उसके सामने झुकना होगा। कुरान। आदम की आत्मा ईश्वर का प्रतिरूप है। हिब्रू बाइबल। ईश्वर ने आदम को सब कुछ सिखाया। कुरान। सचमुच कितना प्रेरक व्यक्तित्व, कितना प्रेरक जीवन। अपने लिए नहीं लेकिन मानवता के लिए, सारी मानव जाति के लिए, जिन्होंने एक सुंदर संदेश छोड़ा अपने जीवन के माध्यम से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सचमुच आज के इस 18 जनवरी के दिवस को इस रूप में मनाता है कि हम भी अपने आप को उस महामानव के समान बनाएं। उन्होंने जो आदर्श रखा अपने जीवन के माध्यम से, उस आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं। हेडक्वार्टर्स माउंट आबू में आज के दिवस की बहुत ही सुंदर तैयारी की जाती है, क्योंकि विश्व भर के ब्रह्मा कुमार और कुमारियां आज के दिन यहाँ आते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की सुंदर जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आइए देखें किस रूप में आज के इस दिवस को मनाया जा रहा है। आज यानी 18 जनवरी को मधुबन फरिश्तों की नगरी से भी अधिक सुंदर दिखता है। मधुबन के कोने कोने को फूलों से सजा दिया जाता है और ये सब उस व्यक्ति की याद में किया जाता है जिसने स्वयं को मनुष्य से फरिश्ता बनाकर हम सबको आप समान बनने की प्रेरणा दी। उनकी पाला में पले बच्चों के द्वारा ही उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने भी वो लकड़ी लेकर के सत्युग रीता आदात को सारा बताया और जो थोड़ी एडिशनल बातें थी वो भी मैंने बताई। और फिर मैंने देखा कि वहाँ जहाँ बहनों का तरफ है वहाँ खिड़की पर पैसेज में बाबा खड़े हैं और बाबा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो बाबा आए अंदर और बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बच्ची तो जाकर के विदेश में सेवा करेंगी, अपने टीचर्स को भी समझाएंगी। बाबा के सामने कविता सुनाते थे, बाबा को बहुत अच्छा लगता था, इंग्लिश में भी सुनाते थे। तो बाबा ने हमें कितनी बार ये वरदान दिया कि बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, बाबा आपको विदेश भेजेगा, तुम आगे पढ़ो, पढ़ाई करो और एक दिन बाबा आपको विदेश भेजेगा। बचपन से यह जीवन बाबा के साथ बिताई है, ब्रह्मा बाबा के साथ। हमें बाबा ने नॉलेज इस प्रकार से दी जैसे बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं और बड़े प्रेम से हम उन शिक्षाओं को अमल में ला करके कर्म करते थे। 1968 में
जैसे ही उनके कक्ष में मैं पहुंचा, वहां एक गहन शांति थी। मैं बाबा के सामने बैठा, बाबा ने दृष्टि मुझे दी और ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण था कि उन्होंने मुझे बॉडी लेस कर दिया। मैं डीप साइलेंस में आ गया, जिसको सन्यासी लोग कहते हैं, समाधिस्थ कर दिया। मैं उन्हें देखता ही रह गया। बाबा ने मेरे से कुछ कुछ पूछा भी, मैंने उत्तर भी दिया, लेकिन मेरी एक मग्न अवस्था थी। सदैव उनके मुख पर एक ही बात रहती थी, करण करावन हार, निराकार शिव बाबा सब कुछ करा रहा है। अहंकार सूक्ष्म मैपन उनको छू भी नहीं पाया था। हम वैसे भी कहते हैं कि हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर की कितना मानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखा कि उन्होंने न केवल ईश्वर को माना, लेकिन ईश्वर की माना। तब तो वो ऐसे हम सब के लिए आदर्श बन गए। क्यों ना आज के दिन हम भी ये संकल्प लें कि हम ईश्वर को तो मानते हैं, मानते रहेंगे, लेकिन आज से हम ईश्वर की भी मानेंगे, जो वो कहते हैं कि तुम सत्य पथ पर चलो, नैतिक पथ पर चलो, औरों को सुख दो, कल्याण करो। हम इन बातों को अपने जीवन में लाएंगे तो सचमुच हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर होगा और हम औरों के लिए भी आदर्श बन जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।